द प्रोग्राम इज कॉल्ड खेलो इंडिया। खेलो इंडिया इज अ गवर्नमेंट प्लान फॉर ग्रोथ ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। द गोल ऑफ दिस प्लान टू एनहेंस इंडियन स्पोर्ट्स कल्चर। द टॉपिक ऑफ माई प्रेजेंटेशन इज खेलो इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। आई एम डॉक्टर सुनीधर लखेरा, स्पोर्ट्स ऑफिसर, गवर्नमेंट ओएफ के कॉलेज जबलपुर। मेरा मकसद जो है वह खेलो इंडिया के जो प्रोग्राम है उसका एक परिचय आप सभी के सामने प्रस्तुत करना है, क्योंकि हायर एजुकेशन का एक आदेश है कि इस खेलो इंडिया प्रोग्राम से समस्त स्टाफ, विद्यार्थी और जो खिलाड़ी हैं उनको इससे अवगत कराया जाए। तो आपका यह प्रोग्राम क्या है इससे वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है। खेलो इंडिया प्रोग्राम का जो मेरा प्रेजेंटेशन का सीक्वेंस होगा, जो क्रम होगा, मैं आपको उसके परिचय के विषय में, विजन एंड मिशन के विषय में जो कि एक युग्मित प्रयास है, कंपोनेंट्स के विषय में और कुछ रूलर और इंडिजिनस गेम्स के विषय में और खेलो इंडिया गेम्स के एडिशन के विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अंत में मैं इसका कंक्लूजन आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। द खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है, खेलो इंडिया स्कीम जो है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की मुख्य केंद्रीय सेक्टर की स्कीम है। इसका उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है और खेल उत्कृष्टता प्राप्त करना है। द खेलो इंडिया स्कीम, मैं आपको पहले ही बोल दें, इज द फ्लैगशिप सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। जो यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसकी यह स्कीम है। द एम एट इन्फ्यूजिंग स्पोर्ट्स कल्चर एंड अचीविंग स्पोर्टिंग एक्सीलेंस इन द कंट्री। इसका जो मेन उद्देश्य है हमारे देश में खेलों का कल्चर डेवलप करना है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के यदि हम प्रारंभिक रूप से इसके परिचय के विषय में देखें या इसका इंट्रोडक्शन देखें तो इस खेलो इंडिया कार्यक्रम में बहुत से कार्यक्रम इन्वॉल्व हैं, जैसे खेल मैदान का विकास, सामुदायिक कोचिंग विकास, सामुदायिक खेलों को बढ़ावा देना, ग्रामीण या स्वदेशी खेलों सहित खेलों के लिए विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर मजबूत खेल अवसंरचना तंत्र की स्थापना करना, साथ ही डिसेबल्स के लिए या दिव्यांगजनों के लिए खेल और महिलाओं के लिए खेल को भी बढ़ावा देना है। इन सब कमियों को दूर करने के लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वह वित्तीय सहायता या वित्तीय पोषण भी हायर एजुकेशन स्तर पर विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को प्रदान कर रहा है। इसमें विश्वविद्यालय स्तर पर आपने देखा होगा यदि हम किसी खेल को डेवलप करना चाहते हैं और यदि हम खेलो इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से उसमें ग्रांट चाहते हैं तो इसमें ग्रांट हमें मिल सकती है और किसी फील्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप कर सकते हैं। इसमें उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना भी की गई है जिसमें प्रतिभा की पहचान की जा रही है। प्रतिभाओं की टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोग्राम है वह खेलो इंडिया के माध्यम से भी चल रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम का जो विजन है, विजन और मिशन, एक युग्मित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका विजन और मिशन बनाया गया है। इसका जो विजन है देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, खेल उत्कृष्टता हासिल करना, साथ ही इसका जो मिशन है देश भर में खेलों को प्रोत्साहित करना जिससे लोग खेल के व्यापक प्रभाव के माध्यम से खेल की शक्ति के इष्टतम उपयोग कर सकें। इसमें न केवल युवाओं बल्कि बच्चों और युवाओं के समग्र विकास के लिए सामुदायिक विकास, सामाजिक एकीकरण, जेंडर समानता और स्वस्थ जीवन शैली और राष्ट्रीय गौरव और आर्थिक अवसर भी इसमें शामिल हैं। तो यह प्रोग्राम सिर्फ खेल का कल्चर या स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने के लिए नहीं है, इसमें कुछ आर्थिक अवसर भी शामिल हैं। इसमें आपको रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। मौजूदा खेलो इंडिया स्कीम के कुछ मूलभूत उद्देश्य हैं, विजन और संरचना को बनाए रखा गया है, लेकिन इसकी कुछ थर्ड पार्टी मूल्यांकन किया गया है। इस थर्ड पार्टी मूल्यांकन के माध्यम से इस स्कीम के प्रारंभ में 12 घटक तैयार किए गए थे, लेकिन इस थर्ड पार्टी मूल्यांकन के माध्यम से अब इसके 5 घटक परिवर्तित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं।
जिसका प्रथम घटक है खेल अवसंरचना और निर्माण उन्नयन, पूरे देश में स्पोर्ट्स का माहौल डेवलप करने के लिए, साथ ही स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप करने के लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम ने अपने कंपोनेंट में सबसे पहले इस चीज़ को शामिल किया है कि क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। विश्वविद्यालय में खेल अवसंरचना निर्माण के लिए, उपकरणों की खरीद के लिए सहायता अनुदान राशि प्रदान करना खेलो इंडिया प्रोग्राम का एक कंपोनेंट है। न केवल स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि खेल विज्ञान और खेल उपकरण के लिए सहायता या अनुदान राशि प्रदान करना भी इसके कंपोनेंट में शामिल किया गया है। इसका जो सेकंड कंपोनेंट है खेल प्रतियोगिताएं, आप देख रहे हैं पूरे देश भर में खेलो इंडिया के माध्यम से खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 30 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है जो कि एक बृहद कार्यक्रम है। तो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट के लिए भी खेलो इंडिया कंपोनेंट में इस पॉइंट को शामिल किया गया है। जैसे खेल कौशल के प्रदर्शन के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है खेल कौशल के लिए प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान करना, यूथ यूनिवर्सिटी और विंटर खेलों जैसे स्पोर्ट्स का आयोजन करना। इसमें प्रतिभाओं या टैलेंट डेवलपमेंट के लिए पहले संभावित प्रतिभाओं को खोजा जाता है, फिर प्रमाणित प्रतिभाओं की खोज की जाती है और उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। न केवल खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, बल्कि ई पाठशाला जैसे जिला केंद्रों को भी स्थापित खेलो इंडिया के माध्यम से किया गया है और प्रतिभाओं की खोज के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है ताकि इसमें खिलाड़ियों का जो प्रोफाइल है वह इस पोर्टल के माध्यम से लोग देख सकते हैं और खिलाड़ी स्वयं भी इस पोर्टल के माध्यम से अपने प्रोफाइल को देख सकता है। तीसरा जो कंपोनेंट है खेलो इंडिया केंद्र और खेल की अकेडमी, आप देख रहे होंगे खेलो इंडिया सेंटर्स और स्पोर्ट्स अकेडमीज का गठन कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया के जो केंद्र हैं, जो भी केंद्र स्थापित किए गए हैं उसमें रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं, जैसे कोच, अंशकालिक कोच, सहायक स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, मसाजर, ऐसी पोस्ट भी क्रिएट की गई हैं और इस तरीके का रोजगार खिलाड़ियों को खेलो इंडिया केंद्रों में मिल रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत बहुत सी खेल अकादमियां भी स्थापित की गई हैं और खेल अकादमियों के लिए उपकरण, खेल के उचित मैदान, डे बोर्डिंग स्कीम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और रोजगार के अवसर प्रदान करना जैसा इसका तीसरा कंपोनेंट है। इसका जो चौथा कंपोनेंट है फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो कि स्वैच्छिक है और यह जो मूवमेंट है अपनी दिनचर्या में फिटनेस को अभिन्न अंग बनाकर शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसमें सरकार जो है एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रही है। तो द फिट इंडिया मूवमेंट बॉस लॉन्च 29 अगस्त 2019 फॉर प्रमोटिंग फिजिकल फिटनेस, इसे 29 अगस्त 2019 को ध्यानचंद खेल दिवस के दिन इसे लॉन्च किया गया था। और फिट इंडिया मूवमेंट जो है वह एक ऐसा मूवमेंट है कि सभी नागरिक अपनी दिनचर्या में फिटनेस को अभिन्न अंग बनाकर शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा दें और इसमें सरकार एक उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। यह एक स्वैच्छिक है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप यदि स्वेच्छा से चाहें तो फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। इसमें एक PDF फॉर्मेट में एक दस्तावेज तैयार किया गया है जो कि 5 से 18 वर्ष के लिए, 18 से 65 वर्ष के लिए और 65 से ऊपर के लिए, इसमें एक PDF फॉर्मेट में एक दस्तावेज तैयार किया गया है जिसमें इस बात की जानकारी देने का प्रयास किया गया है कि किस एज में किस प्रकार के व्यायाम करना चाहिए, किस प्रकार का योग करना चाहिए, किस प्रकार का वार्म अप करना चाहिए, किस प्रकार का लिम्बिंग डाउन या कूल डाउन करना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए और हमारे डेली रूटीन में हमें कितना समय अपनी फिटनेस के लिए देना चाहिए। फिट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है, इट विल गिव यू लाइफ टाइम बेनिफिट विदाउट विद द जीरो इन्वेस्टमेंट। आपको जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आपको जीवन भर का या जीवन पर्यंत लाभ देने का जो मूवमेंट है वह फिट इंडिया मूवमेंट है। खेलों के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देना, न केवल खेलों को ऐसे जगह पर डेवलप किया जा रहा है जहां पर फैसिलिटी है, जहां पर स्पोर्ट्स का थोड़ा बहुत कल्चर है, ऐसी जगह पर भी खेलो इंडिया के माध्यम से
खेलों को प्रमोट किया जा रहा है या स्पोर्ट्स को कल्चर बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो क्षेत्र की स्थानीय आबादी आतंकवाद उग्रवाद से परेशान है। तो स्थानीय आबादी के बीच विश्वास को बढ़ावा देने के लिए खेल के माध्यम से युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास खेलो इंडिया के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना या स्थानीय स्तर पर जो भी खेल हैं जैसे पिट्टू है, भौंरा है, चींटी धप है और खो खो है, कबड्डी है, मलखम है, बहुत से आपने मणिपुर का एक गेम है थांग था या सरिस सारक या ह्यूमन लेग लॉन, ऐसे खेलों को भी बढ़ावा इसके माध्यम से दिया जा रहा है। ना केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि दिव्यांगजनों को खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी इस खेलो इंडिया के माध्यम से डिसेबल्स के लिए गेम भी कराए जा रहे हैं और महिलाओं के खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जा रहा है। आप देखें कुछ रूरल और इंडिजिनस या ट्राइबल्स गेम्स हैं जो खेलो इंडिया में शामिल किए गया है। इसमें एक सबसे प्रमुख खेल है थांग था और गटका। जैसे गटका आपने देखा होगा, गटका जो है ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब से इसका ओरिजिन हुआ है। दिस ट्रेडिशनल फाइटिंग स्टाइल ऑफ द निहंग सिख वॉरियर्स। इसमें आपने देखा होगा गुरुद्वारों में अभी भी गटका का अभ्यास किया जाता है और जो निहंग सिख हुआ करते हैं वो इसका प्रदर्शन भी करते हैं। यह सेल्फ डिफेंस के लिए उपयोग किए जाने वाला एक खेल है और इसमें बिलीव टू हैव ओरिजिनेट व्हेन सिख गुरु हरगोविंद सिंह अडॉप्टेड कृपाण फॉर सेल्फ डिफेंस ड्यूरिंग द मुगल एरिया। मुगल शासन में कृपाण धारण की गई थी सिखों ने अपने धर्म के बचाव के लिए। तो इट वॉज अर्लियर कन्फाइंड टू गुरुद्वारा, प्रारंभिक काल में यह सिर्फ गुरुद्वारा तक सीमित था, नगर कीर्तन और अखाड़ा तक सीमित था। बट नाउ इट फाइंड्स प्रेजेंस इन द स्पोर्ट्स कैटेगरी, लेकिन अब इसे एक स्पोर्ट्स कैटेगरी में शामिल किया है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गटका फेडरेशन ऑफ इंडिया 2008। कलारीपट्टू ऑल्सो नोन सिंपली एज कलारी इज इंडिविजुअल मार्शल आर्ट्स दैट ओरिजिनेट इन मॉडर्न डे केरला। केरला से इसका ओरिजिन हुआ है और केरला में इसका ज़्यादा प्रचलन है। कलारीपट्टू इज हेल्ड हाई रिगार्ड बाय मार्शल आर्ट्स, इसे मार्शल आर्ट्स में बहुत ज़्यादा रिगार्ड प्राप्त है क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे मार्शल आर्ट का एक अंग माना जाता है। इंडियन मार्शल आर्ट्स के विषय के संदर्भ में भी इसे जाना जाता है। इट इज़ बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मार्शल आर्ट्स इन इंडिया, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह सबसे पुराना मार्शल आर्ट्स है। द प्लेस वेयर द मार्शल आर्ट इज प्रैक्टिस इज कॉल्ड द कलारी। कलारी मीन्स इट इज ए मलयालम वर्ड दैट सिग्निफाइज द काइंड ऑफ जिमनेजियम। कलारी एक जिमनेजियम है या कलारी लिटरली मीन्स द थ्रेशिंग फ्लोर, जो खलिहान हुआ करते थे उसे भी कलारी बोला जाता है या बैटल फील्ड भी बोला जाता है। द वर्ड कलारी फर्स्ट अपीयर्स इन द तमिल संगम लिटरेचर, तमिल संगम लिटरेचर में इसका पहले संदर्भ मिलता है। टू डिस्क्राइब बोथ बैटल फील्ड एंड कॉम्बेट एरिना। मलखम को मध्य प्रदेश ने स्टेट गेम के रूप में डिक्लेयर किया है। जो खेलो इंडिया की थीम है वन गेम वन स्टेट या वन स्टेट वन गेम, उसके तहत मध्य प्रदेश में मलखम को राज्य का खेल घोषित किया गया है। मलखम एक बहुत ही रोचक, आकर्षक और बहुत ही पोटेंशियल वाला गेम है। मलखम इज ट्रेडिशनली स्पोर्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन विच ए जिमनास्ट परफॉर्म एरियल योगा आर जिमनास्टिक। इसमें जो एथलीट है वह एक पोल के ऊपर या हैंगिंग वुडन पोल के ऊपर या केन के ऊपर या रोप के ऊपर परफॉर्म करता है। द नेम मलखम ड्राई फ्रॉम, यह जो शब्द है मलखम वह मल्ला से आया है जिसका मीनिंग है रेसलर, एंड खम विच मीन्स अ पोल, लिटरली मीनिंग रेसलिंग पोल। द टर्म रिफर टू द ट्रेडिशनल ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट यूज बाय रेसलर, इसे ज़्यादातर रेसलर यूज करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैव बीन हॉट स्पॉट दिस स्पोर्ट्स। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र
इसका हॉटस्पॉट बने हुए हैं और मध्य प्रदेश में भी इस खेल के प्रमोशन के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है थांग ता। आपने एक खेल सुना होगा मणिपुर का, जो कि वहाँ का ट्रेडिशनल गेम है। ह्यूमेन लैंगलॉन इज एन इंडियन मार्शल आर्ट फ्रॉम मणिपुर, जो कि मणिपुर से है। ये एक इंडियन मार्शल आर्ट था। इन द मिथाई लैंग्वेज हुएन या हुएन मीन्स बार, युद्ध है। वाइल लैंगलॉन आर लैंगलॉन कैन मीन नेट या नॉलेज, ज्ञान है या जाल है या एक आर्ट है। ह्यूएन लैंगलॉन कंसिस्ट ऑफ टू मैन कंपोनेंट्स, जिसमें एक कंपोनेंट है थांग ता, जो कि आर्म कॉम्बेट है। इसे खेलो इंडिया प्रोग्राम में शामिल किया गया है। दूसरा इसका एक और कंपोनेंट था सरित सारक, अनआर्म फाइटिंग, जिसमें बिना आर्म के या फाइटिंग की जाती है। द प्राइमरी वेपन ऑफ ह्यूएन लैंगलॉन आर द थांग, थांग मीन्स स्वॉर्ड, द था स्पीयर या ढाल। अदर वेपन्स इंक्लूड द शील्ड एंड एक्सेस, इसमें किए जाते हैं। ये जो चित्र देख रहे हैं, यू कैन सी दिस पिक्चर, यह थांग ता का पिक्चर है। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यह किस प्रकार का खेल है। नेक्स्ट, बहुत से स्वदेशी खेल हैं जिनको बढ़ावा खेलो इंडिया के माध्यम से दिया जा रहा है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी, बैडमिंटन, चेस, एथलेटिक्स, आर्चरी। और भी पॉपुलर स्पोर्ट्स इन मध्य प्रदेश हैं, जैसे वाटर स्पोर्ट्स आर ऑल्सो मच पॉपुलर इन द स्टेट, हमारे स्टेट में पॉपुलर हो रहा है। बिसाइड ट्रेडिशनल गेम्स लाइक खो खो, गुल्ली डंडा, सितोलिया एंड पिट्टू आर ऑल्सो फेमस इन द रूरल एरिया ऑफ द स्टेट। और खेलो इंडिया के माध्यम से इन खेलों को पुनः पहचान कर चिन्हित जगह पर चिन्हित खिलाड़ियों के माध्यम से प्रदर्शन कर इन खेलों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि हमारे ट्रेडिशनल खेल, हमारे जो प्राचीन खेल हैं या हमारे जो परंपरागत खेल हैं, उनका अस्तित्व बना रहे। खेलो इंडिया गेम्स के कुछ एडिशंस हैं। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के रूप में प्रारंभ हुआ था, जिसके संस्करण 2018, 19, 20, 21 में प्रारंभ हुए थे। बाद में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी प्रारंभ किए गए, जो 2020 और 22 में आयोजित किए गए। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, वह हमारे यहाँ इस समय मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। अब बहुत से ऐसे क्षेत्र थे, भौगोलिक दृष्टि से भारत में बहुत विभिन्नताएँ हैं, तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम यहाँ पर 2021 और 22 में प्रारंभ किए गए। और इसका अगले खेलो इंडिया विंटर्स गेम का आयोजन भी संभवतः गुलबर्ग में होने वाला है। खेलो इंडिया के परिचय के बाद फाइनली वी कैन सी दैट कि खेलो इंडिया जो एक मौजूदा स्कीम है, वह हमारे देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करके और भारत में एक महान, या भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास है। भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इट्स डिपेंड ऑन वन स्टेट वन गेम कॉन्सेप्ट के आधार पर, या वन स्टेट वन गेम जो है उस पर यह खेलो इंडिया प्रोग्राम निर्भर करता है। खेलो इंडिया सॉन्ग, जो कि हायर एजुकेशन के माध्यम से या आदेश के माध्यम से कहा गया है कि खेलो इंडिया सॉन्ग जो है वह सभी विद्यार्थियों को सुनाया जाए। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, एमपी में शोर मचा दो, अपना अपना जोर लगा दो, दिखा दो जान लगा दो, जोश दिखा दो जान लगा दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का 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 दो। नाउ कम टू द विदाउट टेकिंग मच टाइम, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको, आपका मैं
इस प्रेजेंटेशन के अंत में आता हूँ। फाइनली मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ। ज्वाइन अस या खेलो इंडिया प्रोग्राम आपसे एक अपील करता है, ज्वाइन अस एंड सपोर्ट द खेलो इंडिया इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस इन द अपकमिंग ईयर्स। खेलो इंडिया गेम्स से जुड़ें और आने वाले वर्षों में भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति में बदलने के लिए खेलो इंडिया पहल का समर्थन करें। यह आपसे एक मेरी हम्बल अपील है। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चंस या कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन है जिसके विषय में आप मुझसे जानना चाहते हैं तो यह मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पर कॉन्टैक्ट कर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में अंत तक भाग लिया। आप सभी को मैं हृदय से आभार निवेदित करता हूँ।